सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. कॉशीज इनइक्वालिटी. तो कॉशी की इनइक्वालिटी क्या बोलती है? अगर एन नेचुरल नंबर्स आर देयर, ए वन ए टू ए थ्री से लेके ए एन तक, एंड बी वन बी टू बी थ्री से लेके बी एन तक, आर द टू सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो होगा क्या, इनके जो स्क्वेयर होंगे, दैट इज स्क्वेयर का सम, ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर प्लस ए थ्री स्क्वेयर से लेके ए एन स्क्वेयर तक, इन टू बी वन स्क्वेयर बी टू स्क्वेयर बी एन स्क्वेयर तक, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ टू का होल स्क्वेयर. ए वन बी वन ए टू बी टू से लेके ए एन बी एन के होल स्क्वायर. ठीक है, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब ये रेशियो ए वन बाई बी वन ए टू बाई बी टू से लेके ए एन बाई बी एन सारे रेशियोज बराबर होंगे. ठीक है, इसका प्रूफ भी है, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके प्रूफ दिए हैं. ठीक है, देखो इसको कैसे हम बताता हूँ मैं आपको कैसे. सर एक बार रिपीट करो ना, वो मतलब नेट खराब था, रिपीट कर दो ना क्या ये. देखो बेटा, व्हाट आई विल डू इज मैं एक बार प्रूफ करके दिखाता हूँ, तो आप लोगों को ज्यादा हो सकता है ना, अच्छे से आप लिख पाओगे कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे. सो सी, इफ यू हैव, व्हाट वी डू इज, लेट्स से एक फंक्शन मैं बनाता हूँ, लेट मी राइट अ फंक्शन. एक फंक्शन मैं बनाता हूँ एक्स का, विच इज नथिंग बट समेशन ऑफ I इज इक्वल टू वन से लेके ए आई एक्स माइनस बी आई का होल स्क्वायर. ठीक है, एक फंक्शन हमने ऐसा एज्यूम किया ए आई इंटू एक्स माइनस बी आई का होल स्क्वायर. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ए वन माइनस बी वन, ए वन एक्स माइनस बी वन एक फंक्शन है. ठीक है ना, स्क्वायर के साथ ए टू एक्स माइनस बी टू सम है बीच में होल स्क्वायर, एंड दिस इज वॉट इज एक्चुअली रिटर्न. देखो तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालने वाले हैं, ये लिखा हुआ है ए आई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी आई स्क्वेयर प्लस टू एक्स टाइम्स ए आई बी आई. सर माइनस है. हाँ हाँ सॉरी माइनस है, एक सेकंड एक सेकंड, ये माइनस आएगा. ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक ओपन हो गया, आई इज इक्वल टू वन से लेके एन तक, ये एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइन किया हुआ है. अब यहीं से पता चल रहा है सारी क्वांटिटी स्क्वायर्ड है, तो दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. समेशन को ब्रेक करता हूँ, समेशन ऑफ, अच्छा ए आई विल कम आउटसाइड, कांस्टेंट है. ठीक है, माइनस टू ए आई बी आई समेशन ऑफ एक्स प्लस, अब समेशन ऑफ बी आई स्क्वायर लिखा है, ये क्या होगा, एन टाइम्स हो जाएगा ना. अच्छा तो ये क्वाड्रेटिक है, क्या मैं बोल सकता हूँ क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा? और हम एक्स को बाहर निकाल देंगे. ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा अब ये भी बी आई स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ पे सम आ जाएगा आपका. ओके ओके, नाउ अगर मैं बोल रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक है जिसका वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा. ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब क्या है, समेशन ऑफ ए आई बी आई दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए इज नथिंग बट समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर इंटू सी समेशन ऑफ बी आई स्क्वायर. दिस इज लेस देन जीरो, दिस गेट्स कैंसिल्ड, सो समेशन ऑफ ए आई बी आई होल स्क्वायर इज लेस देन जीरो. क्यों लिया डी को बेटा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा तभी ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा ना. सर पर इक्वल भी है ना, तो इक्वल टू जीरो कब होगा, जब ए वन एक्स इज इक्वल टू बी वन हो जाए, मतलब एक्स बी वन बाई ए वन हो जाए, यही तो है बात. बट ये क्वाड्रेटिक कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना. हाँ, क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट उसका लेस देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो हो जाएगा. इक्वल टू कब होल्ड करेगी, तो वो लिखा हमने देखो यहाँ पे भी, रेशियो सबके बराबर हो जाए, मतलब बी वन बाई ए वन इज बी टू बाई ए टू इज बी थ्री बाई ए थ्री एंड इट गोज ऑन. यस, मतलब समेशन को एक टर्म ले लिया, कांस्टेंट वैल्यू होगी ना कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ आपको
कांस्टेंट होगा, ये भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, ये भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म हो गया। आई थिंक इनइक्वालिटी प्रूव कर ली हमने, है ना? यस। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वन टर्म इनटू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अनदर टर्म इज डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम का स्क्वायर। ओके, सर देखो इसको हम कैसे और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये लिख लो आप। कॉशी की इनइक्वालिटी है सर, वो इक्वल कब होगी? हमने तो ग्रेटर देन प्रूव किया है ना अभी। हाँ, इक्वल टू होगी ना यहाँ पे, ये इक्वल टू कब होगी? जीरो, जब ये हर एक टर्म जीरो हो जाए। यस, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये कब होंगे इंडिविजुअली जीरो? हाँ ओम, ठीक है ना, कब इंडिविजुअली जीरो हो जाएंगे ये? जब ये वाला फैक्टर जीरो हो जाए, है ना? ये फैक्टर जीरो कब हो जाएगा? ax equal to b पे x is equal to b1 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू b1 by a1 हो जाएगा, है ना? ठीक है, यस यस। इसको कैसे अप्लाई करेंगे? देखो एक चीज होगी, करो ऊपर वाले इनइक्वालिटी को नीचे वाले में फिर कैसे वो किया? ऊपर इक्वल होगा तब b1 by a1 सब इक्वल हो गए, नीचे कैसे होगा वैसा? अरे ऊपर इक्वल टू जीरो होगा, तो ये इक्वल टू जीरो मतलब एक्स की वैल्यू बराबर आ गई ना सारी की सारी। बी वन बाई ए वन, बी वन बाई ए वन मतलब बी वन बाई ए वन एक रूट है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो रहा होगा तभी एक रूट आएगा। हाँ, इसीलिए यहाँ पे डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, यस, ओके। चलो देखो हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कैसी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको तीन नंबर दिए हैं, बहुत ध्यान से समझना, मान लो एक्स वाई जेड तीन नंबर दिए हैं, एंड लेट्स से मैंने एक एग्जांपल के लिए नंबर ले लिए है 1 3 4, ठीक है, एक्स वाई जेड और 1 3 4 मैंने पेयर ऑफ नंबर्स ले लिया, ठीक है। ये ए वन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ए आई, ये बी आई को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x into 1 plus 3 into y plus z into 4 का होल स्क्वायर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ x square plus y square plus z square into 26 is greater than or equal to x plus 3y plus 4z का होल स्क्वायर, क्या ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ? Yes. Yes, ऐसे इसको यूज करेंगे। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, मान लो x y z मेरे पास है एंड 2 3 1 एक मैंने ले लिया सेट ऑफ नंबर्स को, ये चूज करना पड़ेगा आपको। जो इनइक्वालिटी आपको प्रूव करनी है एक्स वाई जेड के बीच में, वो मदद यहाँ से मिलेगी आपको, कॉन्स्टेंट्स आप अपने हिसाब से चूज करोगे। अच्छा, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? दैट इज ऑल्सो वेरी मच ट्रिवियल, एक्स अपॉन वन वाई अपॉन थ्री जेड अपॉन फोर इज सम कॉन्स्टेंट, तो एक्स हो जाएगा के, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा 4k। ओके, द नंबर दैट मेरे शो 1:3:4। यस बेटा, सर मतलब जो अपने फर्स्ट में लिखा मतलब उसका फाइनल तो ये होगा, बट इससे हम लोगों को पता क्या चल रहा है? अरे ये इनइक्वालिटी प्रूव करने का बोलेगा तो आपको कैसे सूझेगा क्या करना है? क्वेश्चंस में क्या होता है, इनइक्वालिटी तो प्रूव करनी होती है, तो सूझेगा कैसे? उसमें ये आपको खुद अज्यूम करना पड़ेगा, समझे कि नहीं आप? हां सर, करेंगे तब ये रिजल्ट आएगा। ये a1 और b1 को कंपेयर करने का क्या? नहीं, आपको ये इनइक्वालिटी प्रूव करना है, ये इनइक्वालिटी प्रूव करना है, ये वाला। तो कैसे प्रूव करोगे आप? तो आप सोचोगे कि x y z एक पेयर ऑफ नंबर लेता हूं, 1 3 4 एक पेयर ऑफ नंबर लेता हूं, हां, और वहां से कॉशी लगा लेता हूं मैं, कॉशी की इनइक्वालिटी, ठीक है ना? मतलब सर दिया हुआ रहेगा कि a1 ये है, b1 ये है, अब हम लोगों को ये इनइक्वालिटी दिया हुआ नहीं होगा, आपको सिर्फ इनइक्वालिटी दी होगी, चूजिंग फिर आपको करनी है कैसे कॉशी की इनइक्वालिटी लगाऊंगा मैं। अच्छा, वो दिया हमको ये होगा ना 26x2 plus y2 plus z2 is greater than x plus 3y plus 4z का स्क्वायर, ये दिया होगा। दिस इज व्हाट वुड बी गिवन टू यू, हाउ टू रीच टू दिस दैट यू हैव टू सी। सर ये कॉशीज प्रिंसिपल समझ में नहीं आया, थोड़ा नेट वीक हो गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा देखो, तीन नंबर्स आपको दिए हुए हैं a1 a2 a3 जो यहां पे हो रहे हैं, वही तीन नंबर है x y z। तो करना क्या है, इसको स्क्वायर करा सबको, इसको स्क्वायर करा सबको और ऐड किया, and that value will be greater than product of two, x को 1 से multiply किया, y को 3 से किया, z को 4 से किया। okay sir, देखो इसी में लगाओ, मान लो x y z और 2 3 1 आपने लगाया,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनटू इनका द होल स्क्वायर और प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू फोर प्लस नाइन प्लस वन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होल स्क्वायर हाँ यस ओके नाम क्या पड़ा इसका क्या हुआ नाम क्या हुआ इसका नाम क्या हुआ इसका मतलब इनइक्वालिटी प्रूव करनी होगी तो आपको आना तो चाहिए ना मतलब सर सर अभी अगर सपोज है ना एक क्वेश्चन तो जिसके अंदर ऐसा ना बेटा अभी मैं घर थोड़ी जा रहा हूँ तुम लिख तो जाओ पहले लिखते लिखते समझते जाओ ना तुम लोगों को तो यही तो समझाता हूँ बार बार मैं Yes, सब बताऊंगा ना मैं घर थोड़ी जा रहा हूँ अभी तुम लोग के लिए सारा कंटेंट तैयार इसीलिए तो किया है पहले तो लगाना कैसे है फिर अभी रिजल्ट निकलेगा जो प्रूफ करने का तुम क्वेश्चन की तरह उसको लेंगे अभी अपन ठीक है लिखो इसको जल्दी जल्दी लिखो तो आगे चलेंगे ना सर एक बार क्या बताऊं बताओ प्रूफ कौशी वाला कौशी वाला प्रूफ लिख लो सर इसमें सर वो जरूरी है कि A1 को B1 के साथ ही मैच करें या फिर A1 को B2 के साथ भी मैच कर सकते हैं नहीं उसी के साथ ही मैच करना पड़ेगा ना बेटा तभी ये फैक्टर जीरो होगा ना आपको ये फैक्टर जीरो करना है ये फैक्टर जीरो करना है ये फैक्टर जीरो करना है तभी तो टोटल जीरो कब होगा परफेक्ट स्क्वायर से सारे के सारे सर पर नहीं सर मेरे को जीरो नहीं करना है सर सर मतलब मैं पूछ रहा हूँ सर जैसे कि हमारा एक्स वाई जेड था और वन टू और वन थ्री फोर था तो अलग अलग रिलेशन मिलेगा ना आपको भाई यहाँ पे मैं कैसे अलग अलग रिलेशन डेवलप कर सकता हूँ एक्स को थ्री के साथ लिया तो हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वाई प्लस फोर जेड समझे सब कुछ सेम है बट ये रिलेशन आ गया ना आप जो प्रूफ करना है उस हिसाब से आप कंपेयर करोगे लिख सकते हैं पर अगर इनको इक्वेट करने के लिए पूछे तो इक्वल टू कब होगा जब मैंने बताया ना आपको वी आर इन प्रोपोर्शनल रेशियो सर इसके ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपने एक लिखी x प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड का स्क्वायर इससे छोटा है और दूसरे लिखी थ्री एक्स प्लस वाई प्लस फोर जेड का स्क्वायर इससे छोटा होगा तो मतलब कितनी ऐसी वैल्यूज है कि जहाँ पे मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे कितनी वैल्यूज का क्या मतलब मतलब x y z के लिए चलेगा y z का मतलब ये दोनों इक्वल कब होगी मैं ऐसा पूछ रहा हूँ बताया ना बेटा कब इक्वल होगी जब दे विल बी इन द रेशियो k 3 k 4 के सर 3x plus y plus 4z और x plus 3y plus 4z अरे ये तो दो प्लेन की इक्वेशंस हैं अगर आप x plus 3y और 4z को लेते हो 2x plus 3y plus z को लेते हो ये तो प्लेन की इक्वेशंस हैं अब दो प्लेन तो कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं तो उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं दोनों प्लेन पैरेलल भी हो सकते हैं ठीक है ना सर तो मतलब कोई इसका उसका प्रूफ नहीं मतलब उसका फाइंड करने का नहीं 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 वो तो अभी तो पूरा इक्वेशन होना चाहिए ना x plus 3y और 4z है 2x ऐसा सोचो आप मान लो आपने इसको आधे आधे को इक्वेट कर दिया ठीक है ये वैल्यू मालूम नहीं है मान लो कुछ कांस्टेंट आपको पता नहीं है यू डोंट नो व्हाट कांस्टेंट दैट विल बी इक्वल टू x plus 3y plus 4z हो गया आपके पास ठीक है और आपने बराबर कर दिया 2x plus 3y plus z के इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास x is equal to z आ जाएगा यहाँ से ठीक है x is equal to z सब्स्टिट्यूट कर लिया आपने ठीक है मान लो आपने x is equal to z is equal to अल्फा ले लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास उसकी वैल्यू हो जाएगी फाइव अल्फा प्लस थ्री वाई और ये क्या हो जाएगी और ये वाली वैल्यू हो जाएगी थ्री अल्फा प्लस थ्री वाई ठीक है यही आ रहा है ना यहाँ से नहीं थ्री जेड आ रहा है सॉरी थ्री जेड आ रहा है ठीक है थ्री जेड आ रहा है आपके पास एक्स इज इक्वल टू थ्री जेड आ रहा है ओके एक्स इज इक्वल टू थ्री जेड आ रहा है मेरे पास तो पूरी इक्वेशन में थ्री जेड की जगह एक्स लिख दो तो ये वाला क्या बन जाएगा
हाँ ये तो वेरी मच ट्रिवियल हो गया ना, क्यों मालूम है, 4z को लिख सकते हैं ना 3z प्लस z, और 3z फिर x बन जाएगा, 3z फिर x बन जाएगा, और 3z जब x बन गया तो इसमें 2x हो जाएगा वो, ठीक है, तो सेम इक्वेशन आ जाएगी, तो वो हर उसके मल्टीपल के लिए चलेगा, तो ऐसे भी इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे आपके पास। पर ये सिर्फ इक्वल टू के लिए ना, कोई सेंस नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा तुम दिमाग मत डालो इसमें, कुछ सेंस ही नहीं इसका। चले आगे, क्या काम की बात देखते हैं, चले सर आप तो दूसरे कुछ, चलो छोड़ो, लेट्स टेक दिस, आ जाओ। अच्छा कहाँ पे क्लिक करेगा आपको ये यूज करना है, इन द क्वेश्चन कंटेनिंग सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वेरिएबल्स एंड आल्सो सम लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल्स वी कैन थिंक ऑफ कॉशीज इनइक्वालिटी, यू शुड हैव स्क्वायर्स। लिख लें दो, लिखना नहीं पड़ेगा सिद्धार्थ, नो वरीज, डोंट राइट इट डाउन, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, यू विल कम टू नो व्हाट इज अ फॉर्म के जहाँ पे अपन इसको यूज करेंगे। तो देखो एक्स वाई जेड जब रियल नंबर्स है और 2x plus y plus 3z की वैल्यू 20 के बराबर है। हाँ सर कर देंगे अभी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, देखो पढ़ते टाइम बहुत बच्चों को डिस्ट्रैक्शन तो आता ही है, ठीक है ना, और अभी ऑनलाइन का टाइम है तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन आपको अपना गोल हमेशा फिक्स रखना है, मुझे ये अचीव करना ही है लाइफ में, जिसके लिए मुझे हार्डवर्क करना है, ठीक है। तो 400/14 कितना रहे, 400/14 400/14 थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। हाँ सर रुको देखो एक बार, देखो पहले तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, तो पता चल गया आपको कि यार ये तो स्क्वायर्स की बात कर रहा है, ये कब रहा होगा एक्स का होल स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर z का होल स्क्वायर, है ना, Yes. यहाँ पे कुछ लेना पड़ेगा, यहाँ जो लेंगे वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, व्हाट एक्चुअली इज बीन गिवन टू यू, आपको जो दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, टू एक नंबर दिया है, टू स्क्वायर यहाँ आया, नेक्स्ट क्या दिया है, वाई दिया है, अच्छा हाफ होगा, वाई के साथ एक हाफ होगा, है ना, यस 1/4 इधर जुड़ेगा, नेक्स्ट 3z है, 3 होगा डेफिनेटली, z के साथ 3 जुड़ा होगा, इजी है ना, यस सर, ये 9 आ जाएगा इधर, है ना, आई थिंक हो गया क्वेश्चन, ये वैल्यू ढूंढनी थी, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का कम से कम वैल्यू 4 + 1/4 + 9, सो दिस वुड गिव यू दिस, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस बीइंग 20 तो स्क्वायर 400 आ जाएगा, ये एलसीएम ले लिया आपने तो 36 + 16 = 52/4 आ जाएगा, 13 आ गया है ना, 36, 52, 53 आ रहा है, 53/4, सिद्धार्थ देखो यही मिस्टेक हो रहा है शायद, हाँ सर, है ना सर, वो 1/2 2y 1/2 नहीं किया उसको, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1600/53। सर यहाँ पे सारी वैल्यूज हमने अपने से ही ली ना इसमें, नहीं नहीं हमने क्या अपने से लिया, ये वाला अपने से लिया बेटा बैलेंस करने के लिए, this was given to you, ऐसा मतलब वो वेरिएबल भी x 2y और y x 2y और z भी हमने ही लिया था, नहीं वो लेना पड़ा ना, ये क्वेश्चन ने बनाया हुआ है, तो यू हैव टू टेक दैट, देयर इज नो अदर चॉइस हियर, ठीक है, चीजें फिक्स है, यस बेटा आदम, सर यहां पे वो मतलब 1/4 कैसे लिया सर, वहां y के आगे तो 1 ही है ना, नहीं यहां पे y के आगे 1 है, लेकिन हमारी इनइक्वालिटी क्या बोलती है, ए बी सी, ओके ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, या आपने ऐसा लिया, रुको इसको ऐसे लिखो, आपने लिखा अभी ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, तो बेटा यहाँ पे ए वन बी वन होता है, फिर ए टू बी टू होता है, फिर ए थ्री बी थ्री होता है, तो ए टू बी टू वन है, ए टू टू वाई है, तो बी टू डेफिनेटली हाफ होगा, तभी वो वन बनेगा ना, अच्छा ठीक है, तो सर फिर वो 9 कैसे होगा,
फिर वापस ये देखो ए थ्री बी थ्री, थ्री का स्क्वायर है ये, तो ए थ्री बी थ्री थ्री जेड होगा ना, लिख लो इसको। तो इस जगह पे आप सोच सकते हो, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर और फोर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट हैव एनी अदर इनइक्वालिटी टू थिंक ऑफ, है ना, आपको कोई और इनइक्वालिटी नहीं सोचनी चाहिए, सीधा आपको याद आ जाना चाहिए स्क्वायर्स के बारे में कॉशी में हम डील करते थे। सर इसमें थ्री मतलब थ्री का ही स्क्वायर होता है, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर होगा नहीं जो यहाँ पे, मतलब सर दो वैल्यू भी हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उधर ए ए मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक जगह एक्स और वाई या ए और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू दो वैल्यू का होल स्क्वायर, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, ओके सर, दो के लिए भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर जैसे ये आपने मान लिया ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए वन ए टू ए वन बी वन का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर वैसा यही पूछ रहा है, नॉट ए वन ए टू ए वन बी वन, बार बार गलत लिख रहा हूँ, ए वन बी वन आएगा ये इसका इसके साथ होगा, ठीक है ना, प्लस ए टू बी टू का होल स्क्वायर, ओके, ये पूरी एक सीरीज एक ही सीरीज मान ली आपने, बी की मान ली, ठीक है ना? हाँ सर, ओके, लिख लो इसको, सर आपने स्क्रीन चेंज की? नहीं नहीं नहीं, चलें आगे, हो गया सबको? यस सर, यस सर, यस, ठीक है, देखो अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी में आ जाते हैं हम लोग, ये ले लो, चलो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट mth पावर इनइक्वालिटी, ठीक है ना, ये कहाँ पे आपको सूझेगा करने के लिए, जहाँ पे हमारे पास हम ऐसा बोल सकते हैं, मान लो n नंबर्स हैं, ठीक है ना, देयर आर n पॉजिटिव नंबर्स ए वन ए टू ए थ्री से ए एन तक, ठीक है, और इनकी कोई एक पावर हम डिसाइड कर लेते हैं, लेट्स से पावर टू लिया, पावर थ्री लिया, पावर फोर लिया, ठीक है, तो जब मैं mth पावर इनइक्वालिटी की बात करता हूँ, तो एक टर्म मैंने ए डिफाइन कर दी, जिसमें ए वन की पावर एम, ए टू की पावर एम, गोज़ ऑन टिल ए एन की पावर एम है, डिवाइड बाई एन, दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ mth पावर ऑफ नंबर्स, ठीक है, सिमिलरली बी एक हमने एक्सप्रेशन को बना दिया जिसमें मीन लेके पावर एम लेते हैं, एक m पावर का मीन लिया और एक मीन का m पावर कर दिया, ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड दिस, क्या कर रहे हैं हम? यस, क्या किया, क्या किया, दो नंबर्स है हमारे पास मान लो, ठीक है, या दो नंबर्स है a और b, ठीक है, तो आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 एक टर्म निकाला और आपने a प्लस b बाय 2 का होल स्क्वायर एक टर्म निकाला, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू निकाला और ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर आपने निकाला, ये ए हमने बोल दिया है, सम का स्क्वायर करा, टर्म्स का स्क्वायर करा और उसका सम करके बाई टू कर दिया, मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज mth पावर्ड नंबर्स, दूसरा हमने क्या किया, मीन निकाला और फिर उसका m पावर पे रेस कर दिया, जैसे कि पावर टू है तो टू पावर पे रेस कर दिया, थ्री पावर है तो थ्री पावर पे रेस कर दिया, इज दिस क्लियर? हाँ सर, हाँ सर, वो एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई टू और ए प्लस बी का बाई टू का होल क्यूब भी हो सकता है ना, बिल्कुल वही चीज हम बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, यस सर, ये लास्ट लाइन नहीं दिख रही, यस यस यस, बता बता सर, यहाँ पे एम मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, एम पावर है, एम पावर है उन वेरिएबल्स की, mth पावर है, ठीक है ना, इसीलिए इसको m पावर इनइक्वालिटी बोला गया है, आपको क्या करना है, उनकी पावर m में रेस करना है टर्म्स को, जैसे अगर आपने तीन नंबर ले लिए मान लो, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जैसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई a क्यूब b क्यूब c क्यूब बाय थ्री, दैट इज मीन ऑफ थर्ड पावर ऑफ द नंबर्स, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी a,
दूसरा एक्सप्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, बी वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा, वो क्या मैं बोल सकता हूँ, इज ए फॉर मी व्हाट बी विल बिकम ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री का होल क्यूब, इज इट क्लियर? मतलब उस पे टर्म्स उस पे क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है सबको क्या करना चाह रहे हो? सही, थ्री की पावर भी मतलब रेस करते हैं ना बी में, हाँ, नीचे तो डिनोमिनेटर में पूरे में मीन का पावर किया तो मीन में तो थ्री भी नीचे आ गया ना सर, तो मतलब फिर बी छोटा होना चाहिए ना ये से। अब क्या होना चाहिए, क्या क्या होगा वो मैं सब बताता हूँ। देखो तो व्हाट हैपेंस इन दिस इनइक्वालिटी इज, यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। अब ए और बी इक्वालिटी होल्ड करेंगे, ए एंड बी विल बी इक्वल टू ईच अदर, व्हेन दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, व्हेन दे हैव द पावर जीरो और वन, जब पावर जीरो होगा सब वन 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 हो जाएगा तो एन बार वन आ गया, तो एन बाय एन वन हो जाएगा, और नीचे वाला एक्सप्रेशन में भी वन बाय वन एन बाय एन वन हो जाएगा, तो वन की पावर कोई भी आप रेस कर लो वन ही रहेगा। जब जीरो हो जाएंगे हर एक का पावर जीरो, तो जब हर एक का पावर, अच्छा अब जब हर एक का पावर जीरो के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया शायद ना, अब जब हर एक का पावर वन हो जाएगा तो वन के केसेस में क्या हो जाएगा, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो जाएंगे, दोनों मीन के बराबर कहलाएंगे। यस ओके चलो नेक्स्ट। अब जब m की वैल्यू जीरो से वन के बीच में होगी, तो जब m की वैल्यू आपकी जीरो से वन के बीच में होगी मतलब ये वाले टर्म्स का आपने क्या कर दिया, कोई भी रूट निकाला गया, गेटिंग माई पॉइंट भाई, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ c बाई थ्री, ठीक है, दैट विल बी योर ए एक्सप्रेशन, और बी एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री का क्यूब। तो उसके सेस में मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, क्या ये चीज क्लियर है? उसके अंदर उसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब हम क्या बोलते हैं, जब m का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो जाए और जीरो वन से बाहर हो जाए, ठीक है, अब जीरो वन से अगर बाहर हो गया तो उसके सिस्टम में हम क्या बोल सकते हैं, ये बन जाएगा आपके लिए कुछ पॉजिटिव पावर जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो उस केसेस में आपका हमेशा क्या कहलाएगा, यू विल ऑलवेज हैव ए विल बी ग्रेटर व्हेन एम इज नॉट बिलोंगिंग टू जीरो एंड वन, ए विल बी लेस व्हेन इट इज बिलोंगिंग टू जीरो एंड वन, एंड इक्वल टू जीरो और वन जब वन होगा तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा आपके पास। इक्वालिटी कब होल्ड कर रही है, इक्वालिटी हमारी होल्ड कर रही है दोनों के बीच में जब m इक्वल टू जीरो या वन हो जाए, ठीक है, जब m इक्वल टू जीरो और वन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, इक्वालिटी होल्ड When numbers are equal, अच्छा जब numbers आपके यहाँ पे अगर equal हो जाएंगे इस केसेस में तो सेम वैल्यू देगा ना वापस, ये एन ए हो जाएगा एन ऑफ ए की पावर एम अपॉन एन, तो ये भी कट जाएगा तो ए की पावर एम आ जाएगा, है ना, और इसमें क्या हो जाएगा ए की पावर एन टाइम्स ए की पावर एन, फिर ये एम आ जाएगा, वो भी ए की पावर एम आ जाएगा, ठीक है सर। कौशी कोई भी पावर के लिए नहीं चलेगी, लेकिन ये हर पावर के लिए चलेगी, ठीक है सर। अगर पावर नेगेटिव हुआ तो सारा लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, सारा का सारा इसमें आ गया, लिख लो पावर नेगेटिव मतलब 1 बाय में हो जाएगा तो बिटवीन 0 टू 1, ओके पावर माइनस 2 ऐसे, चलो ये लास्ट केस में आ गया, सब में चलेगा, सब में चलेगा, ठीक है। तो मतलब वो करते कैसे सॉल्व है सर, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैं वही तो बता रहा हूं, अभी मैं घर तो नहीं जा रहा हूं, फिर तुम वही क्वेश्चन कर रहे हो, अभी तुमको सिर्फ फार्मूला लिखना बेटा, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। यस सर, एक लिखा आपने इक्वालिटी होल्ड व्हेन द नंबर आर इक्वल, तो सर ये m बिलोंग्स टू 0 से 1 के लिए भी चलेगा
हाँ m इक्वल टू जीरो वन में भी इक्वालिटी होल्ड करेगी ए और बी की, और ये एक रिजल्ट था एक्सक्लूडिंग वाले में इक्वालिटी ए जब जीरो और वन होगा तब भी चलेगी, और जब नंबर्स इक्वल होंगे तब भी चलेगी, ठीक है, दोनों के केसेस में चलेगी। ठीक है, यस सर। चलिए लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो ज्यादा हमारा काम खत्म हो जाएगा, प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लिख लो जल्दी जल्दी, फिर हम डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, ये सब इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, ये यहाँ तक तो नहीं जाता है कभी। ठीक है, आ जाओ। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर देन इवेल्युएट द लीस्ट वैल्यू ऑफ वन अपॉन रूट ए प्लस वन अपॉन रूट बी। यहाँ पे तो एक ही बार नेगेटिव जाएगी, पर उसके लिए इक्वालिटी क्या होती है? ये रिजल्ट लिखा कि नहीं आपने? इसी को यूज करूंगा अगली बार। क्या पावर लेंगे वन अपॉन रूट ए और वन अपॉन रूट बी में, एम की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, एम की वैल्यू माइनस हाफ। उसके सिस्टम में क्या जाएगा? पावर पार्ट विल बी ग्रेटर देन आर माइनस सम का पावर। लिख लो, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल। लॉलीपॉप ए रेज टू माइनस हाफ प्लस बी रेज टू माइनस हाफ बाई टू, बाई टू इज इक्वल टू ए रेज टू माइनस हाफ, सॉरी ए प्लस बी रेज टू माइनस हाफ ना, ए प्लस बी बाई टू। ठीक है ना, तो ए प्लस बी का वैल्यू चार है, चार बाई दो दो हो जाएगा, दो का पावर माइनस हाफ आ जाएगा, जब इक्वल टू बी इक्वल टू टू हो जाए। ठीक है ना, ठीक है, अगर a प्लस बी की मतलब वैल्यू नहीं पता होती तो उसका एक्सपांशन क्या होता है नेगेटिव पावर का? a प्लस बी की वैल्यू मालूम नहीं होती, मालूम नहीं होगी तो कभी इसको कन्फाइन नहीं कर पाओगे ना, आप लीस्ट वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे? लीस्ट वैल्यू डिसाइड करने के लिए बताना पड़ेगा मतलब कि ये दोनों का सम इसके बराबर है, फिर a b में कॉम्बिनेशन लगा के आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, समझे आप? मतलब a प्लस बी की पावर नेगेटिव में हो तो उसका मतलब एक्सपांशन क्या होता है? 1 plus x की पावर माइनस n का एक्सपेंशन, ये पूछना चाहते हो ना तुम, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? हाँ ये बात कर रहा हूँ, वो तो कुछ और चीज है, तुम गलत जगह पे गलत चीज घुसा देते हो। ये एक्सपेंशन ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स की आप बात कर रहे हो, इसका एक्सपेंशन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2x 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial, ठीक है ना, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, एन एन माइनस वन एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ठीक है, ये सारा बाइनोमियल में सीखेंगे। अभी काम कंप्लीट करते हैं अपन, ओके, इतना काफी है जानकारी के लिए, या एक क्वेश्चन और करना? और करोगे क्वेश्चन? नहीं सर, ठीक है, एक करा दो सर, अब करना चाहते हो तुम, कर लो, चलो करना ही है तो लिखो लिखो क्वेश्चन। चलो देखो, चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए बी सी, देखो चलो, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन, then तो मेरे को एक क्वेश्चन था सर, वो लास्ट वाला क्वेश्चन है, हां सर, वो आपने बोला था ना कि इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन a इक्वल टू b, पर वो इक्वल टू 2 हो कैसे पता चला सर? दोनों का सम 4 है तो एक एक 2 2 आ जाएगा। अच्छा हां, यस है ना, प्लस लिखते जाओ c प्लस b by c प्लस a, ठीक है, देख सकते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए,
होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू वन के बराबर है, देन यू प्रूव दैट ये ऐसा ले लेते हैं अपन a बाय बी प्लस सी प्लस बी बाय सी प्लस ए प्लस सी बाय ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। तो देखो एक बार करके इस क्वेश्चन को, इफ ए बी सी आर रियल नंबर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज वन देन प्रूव दैट दिस। गिव अ ट्राई, देखो ऐसा करके क्या आ रहा है इसका आंसर। अच्छा सीक्वेंस सीरीज में आरडी भी कर लेना आप, ठीक है ना, आरडी भी करना है। हाँ पूरा का पूरा आरडी शर्मा भी करना है हमें। हाँ सर, जो जो सीक्वेंस वाइज करते चलो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेम दिखेंगे, तो अगर आपने आरडी कर लिया तो 50% से 60% मॉड्यूल हो ही जाता है हर बार हर बार। सर पर आरडी में इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं आता जितना मॉड्यूल, वो तो बेटा 40% वही तो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, 50% आपका आरडी ही कवर कर लेगा मॉड्यूल के क्वेश्चंस को, उनके टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। रिलीजियसली अगर आप करते हो तो फिर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। चलो आ जाओ, थोड़ा सा डिफिकल्ट सीरीज तो है ही नहीं, किसमें नहीं है, मतलब सब अलग अलग चैप्टर है, एचपी नहीं है, ठीक है। चलो अप्रोच करें कैसे करेंगे इसको, आ जाओ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन। शुरू कर दे, देखो तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला इसने, क्वेश्चन में बोला है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू आप प्रूव करिए आप, ठीक है। तो पहली चीज जो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है वो दिख रही है कि a बाय बी प्लस सी, बी बाय सी प्लस ए, सी बाय ए प्लस बी को मुझे किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। तो a अगर मुझे यहाँ से हटाना है, इफ बाय एनी मीन्स आई हैव टू गेट रिड ऑफ a, तो क्या मैं बोल सकता हूँ a बाय बी प्लस सी प्लस सी बाय ए प्लस बी प्लस बी बाई ए प्लस सी, अगर मुझे ये प्रूव करना है कि 3/2 से बड़ा हो, ध्यान से समझना, तो क्या मैं 1-1 ऐड कर दूं पहले, व्हाट आई डू इज आई ऐड 1 टू ऑल, तो ए बाई बी प्लस सी प्लस 1, सी बाई ए प्लस बी प्लस 1, बी बाई ए प्लस सी प्लस 1 ग्रेटर देन 9/2। ओके ये चीज तो पहले किया करना था ना हमें, नहीं नहीं प्रूव करना क्या है, वो फोटो लाने से पहले आप ये फोटो लाओगे कैसे। अच्छा हाँ, हाँ. तो बन जाएगा 1 by b plus c, 1 by a plus b, 1 by a plus c, greater than 9/2, अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ, we'll go in reverse step now, if I prove this, then I can prove that, and then I can prove what I want. 9/2, अच्छा आपने उधर सीधा 3 plus 3 कर, हाँ हाँ, yes, yes. लिख दो, adding 3 both sides. हाँ सर समझिए. Okay. अच्छा अभी नहीं. भाई इसके आगे कुछ नहीं हो रहा. काम होगा ना. तो b plus c नीचे वाले को 1 minus कितना पावर माइनस वन है तो 3/2 हो जाएगा. यस ऐसा ना हो तो वैल्यू 9/2 से बड़ा हो गया, क्लियर है सर? यस बेटा,
सर उसको मतलब मैंने ऐसे किया, बी प्लस सी को वन माइनस से लिखा था, ए अपॉन वन माइनस ए, बी अपॉन वन माइनस बी, सी अपॉन वन माइनस सी, ओके, ए से डिवाइड कर दिया तो आया वन अपॉन वन माइनस वन बाय ए प्लस बी, वन अपॉन वन माइनस बी प्लस वन अपॉन वन माइनस सी, ओके, वन बाय वन माइनस वन बाय सी, हाँ वन बाय सी, हाँ फिर हाँ वो ले लिया और पावर माइनस वन में कर, ओके, मतलब उससे आगे होगा फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ना, रेसिप्रोकल 1 अपॉन a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c को कैसे सिंपलीफाई करोगे आप, ठीक है ना, प्रॉब्लम वही क्रिएट करेंगे फिर आपको 1 बाय a 1 बाय b 1 बाय c का मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, 1 बाय 3 मिनिमम वैल्यू निकला, मैंने वो ऊपर वाले को लिखा 1 माइनस b प्लस c, हां और फिर पता नहीं सर उससे कुछ लोचे आ रहे थे वो वही सॉल्व आ गए, ठीक है, तो ये एक आइडिया आपको मिल सकता है कि मैं मैंने भी ऐसे ही फॉर्म में रखूंगा जिसका रेसिप्रोकल काफी आसानी से आ गया था। हाँ चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो आप, जिसको यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए फिर। सर और भी स्लाइड्स है इसमें, अरे बहुत है यार पढ़ने का तो कोई एंड ही नहीं है, पर इधर तो स्टॉप करना पड़ेगा ना, इसमें मजा आ रही थी परम्यूटेशन से, ठीक है लिखो चलो, इस चैप्टर से सबसे अच्छा अभी तक, प्रूव दैट यू कैन आल्सो प्रूव दिस रिजल्ट, प्रूव दैट 1 की पावर m 2 की पावर m 3 की पावर m प्लस n की पावर m इज ग्रेटर देन n 1 बाय 2 टाइम्स n प्लस 1 पावर m, थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ होगा ना, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए n प्लस 1 बाय 2 और एक होना चाहिए ना, यस ठीक है, नहीं सर ये तो वही है ना, इतने वही है, सेम चीज ही है, नहीं नहीं कुछ और यहाँ पे होना चाहिए, कर लो ना इसको प्रूव कर लो ना क्या रिजल्ट आ रहा है, निकाल ही लो तो रिजल्ट ही लिख लेंगे फिर, सब वही आएगा n n raise to m m plus 1 by 2 raise to m, ये आएगा यहाँ पे n n plus 1 by 2 तो नीचे ऊपर से n कट हो जाएगा ना, इसलिए वो n plus 1 by 2 ही सही था, क्या आ रहा है देखो निकाल लो ना क्या आ रहा है यहाँ पे, रिजल्ट क्या बन रहा है आपका, m greater than वो मतलब वो जीरो और वन तो नहीं होगा, सही था वही वही सही था, ये एक्चुअली यही आएगा है ना, यही आएगा रिजल्ट, हाँ ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है ना, प्रूव कर लोगे बहुत ही आसान है ये तो, ठीक है, हाँ सर हो गया ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो दिया होगा ना कि m is not zero और वन, m zero और वन हो जाएगा तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी ना, मतलब जीरो और वन के बीच में भी सर, पर होगा तो भी हमें क्या प्रॉब्लम है उससे, m के लिए इक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, इक्वालिटी नहीं डाल लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे उसको उल्टी हो जाएगी साइन होना चाहिए, अब हम बोल सकते हैं m ग्रेटर देन 1, ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर m ग्रेटर देन 1, ठीक है, ओके हो गया, यस सर हो गया, ये तो इजी था, अब ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है ये सिर्फ ग्रेटर देन, बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू तब आएगा जब 1 के बराबर हो, हमने m ग्रेटर देन 1 ले लिया ना, हम ज्यादा स्मार्ट हो गए, सही क्वेश्चन में दिया है मतलब, ठीक है हां, चलो अब आ जाते हैं आगे, लेट्स टेक डाउन योर क्वेश्चंस नाउ, तो यहां पे सीक्वेंस एंड सीरीज कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग योर ड्रिल्स।